गुरुग्राम जिले में पहली बार जनहित सुविधा केंद्र के नाम पर एक ऐसे वाहन की शुरुआत की गई, जो वाहन अब उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो लोग विभिन्न कारणों से अपने समस्याओं को विभागीय अधिकारी और विभाग तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां, इस तरह की समस्याओं से अब निजात मिल सकेगी। वार्ड नंबर 20 से पार्षद कपिल दुआ ने अपने पिता शशि दुआ और सैकड़ों बुजुर्गों के साथ सुविधा केंद्र वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैकड़ों बुजुर्गों ने कपिल दुआ को जन कल्याणकारी नीतियों के तहत लोगों की सेवा करने पर अपना पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद दिया। कपिल जी, आज जो शुरुआत की गई है गाड़ी की, क्या शुरुआत है और किस तरह का कार्यक्रम था ये? आज हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में आज से ही ऐसी शुरुआत की गई है। मन में आया, काफ़ी समय से लोगों को देखा था अपने यहाँ पे परेशान होते हुए, सरकारी दफ्तरों में जाते हुए, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, विकलांग भाइयों को, बहनों को अलग अलग जगहों पे जाके इतने धक्के खाने पड़ते थे छोटे छोटे काम के लिए, जैसे सिग्नेचर्स कहीं पे किसी को फॉर्म चाहिए, कोई राशन कार्ड के फॉर्म, वोटर आईडी फॉर्म, अलग अलग चीज़ों के लिए उन्हें काफ़ी जगह जाना पड़ता था। तो यही सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लूँ कि जिससे इन लोगों को घर बैठे बैठे चीज़ें मिल जाएँ और इन्हें इतना परेशानी ना देखनी पड़े। क्या कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ कहाँ ये गाड़ी जाएगी? ये आज हमने अपने यहाँ से वार्ड 20 से शुरुआत की है, गुड़गावा चारगढ़ मजला लक्ष्मी गार्डन शिवाजी नगर से, और ये शहर के अलग अलग एरिया में जाती रहेगी। सुबह से लेकर रात तक ये गाड़ी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस के ऊपर जाएगी। पूरा हमने रूट प्लान किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ये जा करके खड़ी होगी, मेन मेन चौक के ऊपर, और वहाँ से आप इसे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। और मेरे वार्ड के लिए मैंने ये किया है कि जिनको अटेस्ट करवाने हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स भी उसके ऊपर हो जाएंगे और अपने आप फाइल मेरे तक आ जाएगी और मैं उन तक पहुँचा दूँगा। कैसे मन में आया ये आपको कि इस तरह की सेवा करनी चाहिए जो बुजुर्ग लोग हैं? लोगों को कई बार देखा, काफ़ी पीड़ा हुई उनको यही देख के कि एक छोटे छोटे काम के लिए उनको कितना घूमना पड़ रहा है, तो यही सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को सहूलियत मिल जाए। जी, कितनी गाड़ियों की शुरुआत की गई, क्या एक गाड़ी से आप मानते हैं कि पूरे गुड़गांव? नहीं, आने वाले टाइम में मैं ऐसी 10 गाड़ियां और चलाऊंगा। क्या मानते हैं चुनाव नज़दीक है तो जी चुनाव को देखते हुए ये शुरुआत की गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक साल अभी हुआ है और मैं आगे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेता रहूँगा। हाँ, चुनाव की अगर आप बात करें तो आपका कहना कुछ गलत भी नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पता मानते हैं कि गुड़गांव विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए इस तरह की शुरुआत की जा रही है, क्या जो लोग हैं? सर, अगर मेरे को पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, बिल्कुल जीतूंगा और गुड़गांव से सीट जिता के दूंगा। क्योंकि गुड़गांव में देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो किसी न किसी तरह की शुरुआत जरूर कर रहे हैं जिससे कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो क्या मानते हैं ये जो कदम आपने उठाया है, क्या वही सोच करके कदम उठाया या वाकई? मेरा मैं कोई भी कदम मैं किसी अलग अलग सब लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शुरुआत अच्छी बात है और इसी माने कहीं ना कहीं लोगों का भला भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रहा हो। मेरा मानना यह है कि अगर शुरुआत की जाए तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को सहूलियत मिले, बजाय इस चीज़ के नहीं कि आज यहाँ पे ऐसी कोई पूजा पाठ करवा दी या कुछ और करवा दिया जिससे लोगों को बस एक ही दिन का बेनिफिट हो कि कहीं किसी का खाना चालू करवा दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों तक ऐसी कोई चाहे रोज़गार पैदा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो परमानेंट वाला काम होना चाहिए। चुनाव को देख के ऐसा कुछ नहीं, ये गाड़ी भी आपको दिख जाएगा, ये सिर्फ चुनावी माहौल में नहीं चलेगी, ये आगे भी चलती रहेगी। कई लोगों ने एम्बुलेंस भी चलाई हुई है कि एम्बुलेंस से भी बहुत अच्छी बात है, मैं दिल से उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तारीफ करता हूँ ऐसे लोगों की, करना चाहिए। आप इसे चुनाव से मत देखो, अगर किसी के भी मन में ऐसा कोई भाव आता है कि लोगों की मदद होनी चाहिए किसी भी तरीके से, मैं तो कहता हूँ चुनाव हर दो साल साल में आना चाहिए। लोग इसी बहाने लोगों की सेवा करेंगे, चाहे चुनाव के बहाने ही करेंगे, लोगों के तक सर्विसेज पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री ने आज 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आज उद्घाटन में शिलान्यास किया है गुड़गांव में। जी, एक तरफ आपने भी विकलांग और बुजुर्गों की सेवा के लिए गाड़ी की शुरुआत की है, तो किस तरह देखते हैं? उन्होंने अभी बहुत सरकार तो काम कर ही रही है, आप देख रहे हैं कि हर साल हर 3 महीने में 4 महीने में मुख्यमंत्री जी जितनी नई परियोजना इस सरकार में ही है, पिछली किसी भी सरकार में आपने इतना फास्ट काम और इतने अच्छे से काम होता हुआ नहीं देखा होगा। आज आप चाहे नेशनल हाईवेज देख लें, स्टेट हाईवेज देख लें, सब में आपको देखेंगे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है। भाजपा ने जितना काम करवा सकती है आज तक इससे पहले कोई सरकार नहीं करवा पाई। भाजपा अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे या फिर भी चुनाव? जी बिल्कुल लड़ूंगा जी। क्या आप इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे? अगर क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है भाजपा के काफी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं,
और ये पार्टी हाई कमान सोचेंगे, बड़े हमारे जो नेतागण हैं वो सोचेंगे, अगर उनको लगेगा कि सीट के ऊपर मैं सीट निकाल सकता हूँ, वो ऐसी जिम्मेवारी देंगे तो मैं इतना जरूर वादा दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि सीट जिता के दूँ। हालांकि कुछ महिलाओं ने यह भी कहा है कि अब उन बुजुर्गों के लिए यह अच्छा प्रयास है जो बुजुर्ग या विकलांग अपने कामों के लिए नहीं जा सकते थे और उनके बच्चे भी उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसे में वो बुजुर्ग अपने कामों को सरकारी दफ्तर में जाकर इस गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं। वहीं बुजुर्गों ने समाज के लिए यह एक अच्छा कदम भी बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले बड़ी परेशानियां होती थी लेकिन यह सोच बुजुर्गों के लिए हर किसी शख्स में नहीं होती है। वाकई एक बहुत अच्छी पहल की गई है, बहुत अच्छा हो गया। हमें घर के पास ही सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। दुआ साहब ने यह बहुत अच्छा किया। क्या लगता है कि इस तरह की शुरुआत जो आपके वार्ड से की गई है क्या पूरे गुरुग्राम में भी होनी चाहिए, जिस तरीके से लोग काफी? हाँ जी हाँ जी, अब कपिल दुआ को देख कर और लोग भी चालू करेंगे देखना, और उनके पीछे पीछे देखना और लोग भी ऐसा करने के इच्छुक होंगे कि ये दुआ साहब ने करा है हम लोग भी करें। क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी इससे, क्या लगता है? हमें सुविधाएं यही मिलेंगी कि हमें घर बैठकर सारी सुविधा मिल जाएंगी। पड़ोस में जाना है, सरकारी दफ्तर में जाना है, हॉस्पिटल जाना है या कहीं भी जाना है, उसमें सारे कागज चाहिए होते हैं, ये है आधार कार्ड बनवा देंगे घर बैठकर ही सब कुछ। बुजुर्गों को ले जाना बहुत दिक्कत होती थी, जिससे ये सब बढ़िया कर रहे हैं ये लोग। मधुबा जी, क्या लगता है जिस तरह की शुरुआत आज की गई है किस तरह देखते हैं? ये समाज के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोग आजकल दोनों मियां बीवी एम्प्लॉयड हैं, वहाँ जाने के लिए हर जगह जाने के लिए दिक्कत होती है, और ये अगर ये सारी फैसिलिटी यहाँ मिलती रहे, इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड कर दें। एक तो हाउस टैक्स जो वहाँ जाना पड़ता है, हाउस टैक्स यहाँ सिस्टम बढ़ा दें, हाउस टैक्स भी बीच में कलेक्ट कर लें, और डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसका भी अरेंजमेंट हो जाए तो लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। ऐसा काम बहुत कम लोगों का है, पर गाड़ी दरवाजे पर जाएगी इससे बढ़िया काम और नहीं हो सकता। मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, और गरीब लोग जो पेंशन लेने जाते हैं या दूसरे काम के लिए जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी। मेरे जैसे आदमी जो 80-81 पार कर चुका है, उसको अगर घर में सुविधा मिलती है तो वो हमेशा वहीं बैठे हुए दुआ देगा कि मेरा काम हो गया है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पहले लोग जो है बड़े धक्के खाते थे, लाइनों में खड़े रहते थे, 2000 रुपये पेंशन मिलती है, दो दिन वहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर यहाँ मिल जाए, अब ये बच्चा आगे आ रहा है, इसने एक नई स्कीम चालू की है, हम तो चाहते हैं ऐसे नौजवान बच्चे आगे आए, हम इनका समर्थन करेंगे। बताइए जी, सुरेश कुमारी, आज जो आप लोगों के लिए एक सहूलियत दी गई है, एक गाड़ी की शुरुआत की गई है कपिल दुआ के द्वारा, किस तरह का कदम आप समझते हैं इसको? ये तो बहुत अच्छा हुआ है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो बीमार हैं आजकल उनके लिए भी फैसिलिटी है, उनके लिए भी भाई किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा उनको, यहाँ से बैठेंगे, यहीं घर से जाएंगे, घर से ही उतरेंगे। ये बहुत अच्छा किया कपिल दुआ जी ने, जो सबका ध्यान रखा, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, हमारी यही दुआ है उनसे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, बुजुर्गों का। पहले आपको किस तरह की परेशानी आती? पहले तो खुद ही जाना पड़ता था, बच्चे ड्यूटी वाले हैं आजकल भाई, ज्यादा साथ दे नहीं पाते बड़ों बुजुर्गों का, तो उनको दिक्कत होती थी जाने में। हाँ। गाड़ी स्पेशल इस शुरुआत को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप है, जिससे जितने भी ओल्ड एजड पीपल हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। देखो, यंग जनरेशन तो फिर भी अपना काम किसी तरीके से कर लेती है, बट जो एजड पीपल हैं, जो नहीं जा सकते हैं, इधर उधर कम्यूट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फैसिलिटेट हो गया है ये चीज़। क्या मानते हैं पहले किस तरह की परेशानियाँ? पहले ये परेशानियाँ थी कि जो लोग बहुत एजड हैं वो अपने बच्चों को अकंपनी नहीं कर, जो जिनके बच्चे उनके साथ नहीं जा सकते, वो लोग ड्यूटीज़ पे जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा ट्रबलसम होता था कि वो अपने आप रिक्शे पे आएँ, इधर पेंशन फॉर्म्स कलेक्ट करें, फिर स्टैंपिंग के लिए आएँ, फिर मिनी सेक्रेटरीट जाएँ, तो उनके लिए बहुत ईज आउट हो गई है ये चीज़ कि वो घर बैठे बैठे उनको फॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर किसी तरीके की ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी एड्रेस हो जाएंगे साथ। क्या मानते हैं चुनावी स्टंट है, चुनाव नज़दीक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चुनावी स्टंट है, मतलब अब वो जहाँ तक कि मैं उनको जानती हूँ कपिल दुआ जी को, तो वो हमेशा इसी स्टेप उनका यही रहता था कि जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनको कुछ फैसिलिटेशन इस तरीके की हो जाए कि उनको ट्रबल ना हो अपने घर से निकलने के लिए।